नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ नौकायन पे। और ठंडी के समय में यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है नौकायन पे। नौका विहार भी इसे कहा जाता है, जो कि रामगढ़ ताल के किनारे ये बनाया गया है। और ये गोरखपुर का एक मुख्य पर्यटक स्थल है, जो यहाँ पे लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया था इसी चैनल पर। अगर आप हमारे पुराने चैनल के सब्सक्राइब होंगे तो आप ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो जरूर से लास्ट तक वॉच करके जाइएगा, काफी मेहनत से बनी है। आगे चलते हैं, आगे काफी नजारा आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। और इस समय ठंडी के समय में भी कितना ज्यादा भीड़ लग रहा है, और हालांकि यहाँ पे ठंड कम पड़ रही है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे स्वेटर जैकेट पहनकर नहीं आएगा। इस यहाँ चलते हैं, आगे काफी नजारा आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ लगी है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। किनारे के साइड में एक बहुत ही जल्द बिल्डिंग तैयार हुई है, और इसके बगल में चिड़ियाघर की बाउंड्री है, जो कि उसका मैं वीडियो पहले से अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच करके जाइएगा। लास्ट में एक छोटा सा एंड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, उस वीडियो को देखकर और भी जान पाएंगे गोरखपुर के चिड़ियाघर के बारे में। अंदर का वीडियो मैं पूरा अपलोड किया हूँ, जानवर कितने आए हैं पूरा मैं आपको दिखाया हूँ। गाइस देख सकते हैं, इस समय भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है नौकायन पे। हर समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोट सिस्टम भी है। यहाँ पे इस ताल में लोग बोट की यात्रा करते हैं दूर तक, यहाँ इस ताल में जाते हैं। और ये रामगढ़ ताल लगभग 1700 एकड़ में फैला हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जो सेवार चले जाते हैं बीच में, तो उसका भी साफ सफाई बहुत जल्द की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग अपनी फोटो शूट करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो स्क्रीन पर दो और वीडियो आपको दिख रही होंगी, चिड़ियाघर की है देख लीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वो भी बनी है, तो देख कर जाइएगा। और को सब्सक्राइब